हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक छोटा सा बटन हम बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले तो डेवलपर टैब को एक्टिव करना है। डेवलपर टैब एक्टिव करना पिछले वीडियोस में सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में भी बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2007 यूज कर रहा हूँ। ऑफिस बटन पे जाना है और यहाँ से आपको एक्सेल ऑप्शन पे चले जाना है। एक्सेल ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो ध्यान रहे कि पॉपुलर सेलेक्ट हो और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन, बस इस पर टिक कर दीजिए और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए। डेवलपर टैब आ चुका है, देख सकते हैं। अब वो बटन कैसे बनेगा, तो डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा इंसर्ट, तो आ जाइए इंसर्ट पर और यहां एक्टिव एक्स कंट्रोल लिखा हुआ है, यहां पर इस वाले बटन पर जो कि कमांड बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए आप, और यहां से इस तरीके से आप ड्रैग करवा दीजिए। तो जैसे ड्रैग करवाएंगे तो ये कमांड बटन बन जाएगा आपके सामने। अब इसका नाम वाम चेंज करना है तो आपको राइट क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टीज पे जाना होगा। यहां पर प्रॉपर्टीज में आपको दिखाई पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना होगा। तो ये कमांड बटन हमने लिख रखा है, ये कमांड बटन हम हटाना चाहते हैं, इसके जगह कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप इजिली। तो यहां मैं लिखना चाहता हूं माई बटन, तो ये लिख दिया मैंने माई बटन। आप देख सकते हैं अब इस बटन को हमने बना दिया है और अकॉर्डिंग टू मी इसका नाम भी मैंने दे दिया है।